हाँ भाई यार पानी पिला दे मेरे को थोड़ा। जी सर आप बहुत बुद्धिजीवी एक्टरों में शुमार होते हैं और आपसे पूछना भी बड़े सोच समझ से पूछना पड़ता है कि आपसे क्या पूछा जाए। पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, ऐसा क्या खास लगा डन पे डन में जो आपने फिल्म के लिए हाँ कहा दिल का हिस्सा? ये बात किसने कही है तुमसे बुद्धिजीवी वाली? जो तजुर्बा बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अमूमन आप पत्रकारों से भी सवाल हो जाते हैं आपकी तरफ से। हाँ दूसरा सवाल क्या था? मतलब जब सुनाया भानु ने मुझे तो फनी सी फिल्म है, मुझे लगा कि नहीं मज़ा आएगा इसको करने में और बस ऐसे ही। बहुत ज़्यादा सोच विचार की तो ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं इसमें और बहुत कम बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली, मतलब जस्ट ऐसा कुछ बहुत फैला हुआ मामला नहीं है। अगर आपके लुक की बात करी जाए तो ऐसा लगता है कि जब हम वेलकम सीन की बात करते हैं तो वहाँ आप डायरेक्टर की कुर्सी पे तो ध्यान रखते हैं कि आप वापस से उस डायरेक्टर की कुर्सी में हैं लेकिन एक नए अंदाज में। गाड़ी पहले आप लोग भागेंगे गाड़ी। मैंने यार भानु से बोला था कि ये वाले ऐसे भड़कीले कपड़े मत पहना, ऐसा टाइप में कहीं पहन चुका हूँ, बट वो माना नहीं। मैंने चल ठीक है भाई मर्जी है तेरी। ये बिल्कुल अलग तरह का किरदार है, वो अलग तरह का किरदार था जैसा संजय जी ने अभी बताया कि दारू वारू की भट्टियाँ हम लोग चलाते हैं, संजय जी हमारे मतलब उन्हीं के वो उन्हीं के अंडर हम सब लोग काम करते हैं। फिर ऐसा कुछ होता है कि नया ब्रांड आया है उसका कुछ नाम रखना है, तो इन बिटवीन एक ऐसा कुछ घटना घटती है मेरे साथ कि ये शुरू से नहीं है इस तरह का लिबास है, वो बीच में चेंज हो जाता है। घटना कुछ ऐसी घटती है, वो फिल्म जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कैप कहीं से आ जाती है, चश्मा और ये इस तरह का। हरियाणा के बेसिकली लोग हैं ये, हम संजय जी, मैं, दीपराज जी, जिम्मी और उनका अलग है हिस्सा, और ये जो आज आप देखेंगे यहाँ पे ये मुंबई है, मड आइलैंड ही है फिल्म के अंदर, और यहाँ एक पार्टी होने वाली है विच इज़ क्लाइमैक्स ऑल्सो इन द फिल्म। जैसे आपने लुक के बारे में भी जिम्मी भी कहीं बहुत सबके सबको पता है इस बात को कि जिम्मी फिल्म में स्ट्रगलिंग एक्टर था और खास करके खान साहब को कॉपी करते नजर आए, तो आप किस तरह से जुड़ते हैं गेटअप से, उसके बारे में थोड़ा बताना। ये यार थोड़ा सा सीक्रेट है बिकॉज फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी रिवील होगी इसमें, इसीलिए इसको टाल देते हैं अभी हम, क्योंकि ये कैप मेरे पास कहाँ से आई है ये थोड़ा सा एक है ट्विस्ट है फिल्म के अंदर, तो अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाएगा यार, जो लोग आएंगे पैसा दे के फिल्म देखने, तो ये है चूँकि हिस्सा है स्टोरी का इसीलिए इसको भी चुप रख लेते हैं। हो सकता है, मुझे भी धीरे धीरे पता चल रहा है फिल्म के दौरान कि वो एक है, तो एक अलग तरह का बिल्कुल मजा आएगा वो देखने में एक्चुअली। यार हमने पहले भी कई फिल्में करी हैं एक साथ और हम बड़े पुराने दोस्त हैं, थिएटर से ही हम लोग काफ़ी मतलब 25-25 साल पुराना हमारा, तो हमें पता ही नहीं चलता कि फिल्म की शूटिंग हो रही है या वैसा हो रहा है, तो केमिस्ट्री मतलब यहाँ सवाल ही नहीं आता केमिस्ट्री का। बाहर भी आप हमको देखेंगे तो वैसे ही हैं, तो इट्स वेरी क्या कहें। और ये एक्चुअली हर फिल्म अपने आप में ना एक नई तरह की फिल्म होती है, चाहे कहानी एक जैसी भी हो तब भी वो अलग। जैसे मैं देवदास का एग्जांपल दूंगा, कई बार बनी हो फिल्म, कहानी एक होते हुए भी वो अलग लगती है फिल्म देखने वालों को, तो वैसा ही है हर कहानी के साथ, इस कहानी के साथ भी वैसा ही है।
कॉमेडी ही है। आने लो, घुमाओ, आने लो, इसे टाल लो, टाल लो, टाल लो, टाल लो ना। डबल मीनिंग तो नहीं है इस फिल्म में, लेना थोड़ा लो। बड़ी सीधी फिल्म है, ऐसी कोई डबल मीनिंग वाली हमने भाषा इस्तेमाल करी नहीं है इसमें। अरे तेरा करना यार, हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ना। हाँ, इट्स अ कॉमेडी फिल्म। बस 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 डन डन। कितना भी फनी है, कई सारे हैं फनी। उनको बुला लो पहले, वो हाई पॉइंट गाने गाएंगे। ये अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ ऐसा। फिर कभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि हरियाणा, हम लोग हरियाणा बेस्ड हैं और हम लोग फिर मुंबई आते हैं तो थोड़ा मिक्स भी होता है फिर, वो यू नो उस तरीके से मिक्स भी होता है। डन, थैंक यू। इस फिल्म में मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हूँ जो कि बहुत एफिशिएंट है, बहुत स्मार्ट है और वो अपने चैनल के टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो वो अपनी टीम के साथ 31st नाइट को एक्सटिंग ऑपरेशन में जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। मेरे साथ ज़्यादातर ब्रजेश हीर जी हैं, जिमी शेरगिल और संजय मिश्रा, विजय राज, सारे एक से बड़े एक दिग्गज एक्टर्स हैं और इनका जो कॉमिक टाइमिंग है ना बहुत ही कमाल का है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि कब क्या इम्प्रोवाइज कर दे और आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, तो इट्स डिफ़िकल्ट। हम लोग एक बंगलो में स्टिंग ऑपरेशन करने आए हैं, भागा दौड़ी होगी, हम लोग हर जगह सीसी कैमरा फिट करने वाले हैं। ये एक जर्नलिस्ट है, बहुत स्मार्ट है जैसे बाकी जर्नलिस्ट होते हैं, वो बड़े ही अप टू डेट रहते हैं, सारे न्यूज़ के बारे में पता होता है दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, पर उन्हें थोड़ा न्यूज़ चाहिए, न्यूज़ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा, सबसे पहले तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ी कई बार और उसके बाद जर्नलिस्ट तो मैं टीवी में देखती हूँ, न्यूज़ चैनल्स में देखती हूँ और आप भी मेरे सामने बैठे हैं, इतने सारे जर्नलिस्ट देखने को मिल जाता है। और पर इसमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है कि जो भी मेरे को एक्टर्स हैं ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज करते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना पड़ता है मुझे। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, शुरू शुरू में मैं बहुत नर्वस थी पर ये लोग इतने बड़े कलाकार होते हुए भी बहुत ही मतलब अपने साथ कोई बैगेज नहीं रखते, दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ, बहुत ही इजी गोइंग है और अपने को एक्टर्स को भी बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। एड टीवी कमर्शियल एक्चुअली करते करते और मॉडलिंग फील्ड ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया क्योंकि वो कैमरा फेसिंग और बॉडी लैंग्वेज ये सब मुझे सीखने को मिल गया, किस तरीके से लाइट लिया जाता है, आपके प्रोफाइल किस एंगल से अच्छा रहेगा, और बाकी जो है टीवी कमर्शियल में बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, प्रदीप सरकार, सुजीत सरकार, तो उनके साथ काम करके भी एज एन एक्टर मेरा ग्रोथ होता रहा। तो एक्चुअली उनके साथ मेरा रोल अभी शुरू होने वाला है, उनके विजय जी और संजय जी, उनका बहुत काम मैंने देखा है, मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ और उनके साथ भी मैंने इंटरेक्ट भी किया है, पर फेस टू फेस एक्टिंग करने का मौका आज से ही मुझे मिलने वाला है। इस फिल्म में अभी तक तो 3 गाने हैं और मुझ पे 2 गाने फरमाए गए हैं। सॉरी आई एम स्वेटिंग। डन।
डन पे डन, डन पे डन।